नीट पेपर लीक मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम यादव की भूमिका लगातार सवालों के घेरे में है। नीट एग्जाम से एक दिन पहले पटना के जिस सरकारी गेस्ट हाउस में गड़बड़ी करने वाले गैंग और परीक्षार्थी ठहरे हुए थे, उसे तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम यादव ने बुक करवाया था। अब जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू प्रीतम कुमार से पूछताछ करने जा रही है। तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार से एनएच गेस्ट हाउस में बुकिंग के लिए कॉल किए जाने के मामले में ये पूछताछ होगी। इस दौरान ईओयू यह प्रीतम कुमार और पेपर लीक के मास्टरमाइंड चिकंदर यादवेंद्र के बीच का कनेक्शन जानने की कोशिश करेगा। ईओयू की एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से ईओयू की टीम मुलाकात कर पेपर लीक से जुड़े सबूत सामने रखेगी। आपको बता दें कि ईओयू के काम को लेकर राज्य सरकार ने भी नाराजगी जताई है। इस बीच जांच एजेंसी ईओयू के कामकाज पर राज्य सरकार ने इसलिए नाराजगी जताई है। इस मामले को समझिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने अभ्यर्थी को जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर पूछताछ के लिए ईओयू के हेड ऑफिस में बुलाया था, इससे राज्य सरकार जो है वो नाराज बताई जा रही है। जांच एजेंसी के ऑफिस के बाहर अभ्यर्थियों का मीडिया ट्रायल होने से भी सरकार ने नाराजगी व्यक्त की है। ईओयू के अधिकारियों को राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए स्वतंत्र तरीके से काम करने का निर्देश दिया है। अभी ईओयू को कई और अभ्यर्थियों से पूछताछ करना है। संभव है कि ईओयू अब उन्हें अपने ऑफिस बुलाने के बजाय अभ्यर्थियों के घर जाकर वहीं उनसे पूछताछ करें। जैसा कि आपको इस मामले में मालूम है कि डिप्टी सीएम ने कई आरोप लगाए थे। गुरुवार को बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार ने गेस्ट हाउस के कर्मचारी प्रदीप के जरिए मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए कमरा बुक करवाया। उन्होंने आगे कहा कि गेस्ट हाउस में जिन लोगों को पकड़ा गया है वे प्रीतम यादव से जुड़े हुए हैं और प्रीतम पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पीएस हैं। प्रीतम ने दबाव बनाकर गेस्ट हाउस की बुकिंग कराई। पहले प्रीतम के फोन को गंभीरता से नहीं लिया गया था। गेस्ट हाउस में रुकने के लिए आवंटन पत्र भी नहीं दिया गया, लेकिन लोग वहां पर रुके थे। इस संबंध में विभागीय कार्रवाई की जाएगी, ये विजय सिन्हा ने कहा। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर ये प्रीतम यादव हैं कौन। जैसा कि जनता दल यूनाइटेड ने भी तेजस्वी के पीएस प्रीतम यादव का नाम लेकर निशाना साधा। दरअसल प्रीतम कुमार बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। अगस्त 2022 में उन्हें पदस्थापना मिली और तेजस्वी यादव के निजी सचिव सरकारी उनको बनाया गया। प्रीतम के पिता का नाम जो है वो सुभाष चंद्रला है, वो बिहार के मुंगेर के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि सिकंदर प्रसाद यादवेंदु दानापुर नगर परिषद के जूनियर इंजीनियर हैं। उन्हें अपने भतीजे अनुराग के नाम पर गेस्ट हाउस के रूम बुक कराए थे। पुलिस अनुराग और सिकंदर दोनों को गिरफ्तार कर चुकी है। माना जा रहा है कि सिकंदर पर पूरे घटनाक्रम का जो ये घटनाक्रम हुआ है उसका ये मास्टरमाइंड है। उसने ही गेस्ट हाउस में परीक्षार्थियों को रखवाने और गैंग की मदद से पेपर रटवाने का प्लान बनाया था। अनुराग ने भी पुलिस को दिए बयान में साफ तौर पर कहा है कि सिकंदर उसके फूफा हैं, वो ही गेस्ट हाउस लेकर उन्हें पहुंचे और वहां रात भर पेपर रटवाया था। इस मामले में लगातार जांच की जा रही है। सिकंदर और अनुराग ने अपने कबूलनामे में कहा कि पेपर लीक केस के आरोपी अमित कुमार और आनंद और नीतीश कुमार ने मुझसे कहा था कि हम लोग नीट बीपीएससी और यूपीएससी के जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कराते हैं और परीक्षार्थियों को इसे रटवाते भी। मामले की लगातार जांच हो रही है और तह तक जाने की कोशिश की जा रही है और देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आखिर जांच कितनी जल्दी और कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। पटना से शशिभूषण कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बेहतर। नमस्कार।